Hello and good morning to the students. I hope all of you guys are the safe and sound and preparing well. आप सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं. And today we will take up another administrative thinkers named the Chester Barnard. Without wasting the time, let's get started in the today's class and let's enter into the serious business of the discussion. Chester Barnard, यहाँ से हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस चैप्टर्स में हम लोग कुछ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और कुछ नई बातें सीखेंगे. चेस्टर बर्नार्ड में क्या क्या बातें सीखनी है उसका एक पहले फ्लो मैप या फिर फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज दिस क्लासेस आर नॉट द ऑप्शनल क्लासेस. दिस क्लासेस आर फॉर द जनरल स्टडी पर्पज. Only purpose is that to make your the sound base so that you can understand applied part of the Indian administration in a better coveted way, right? So let's get started and first of all understand the flow chart of this chapter कि चेस्टर बर्नार्ड में आपको किन बेसिक बातों को ध्यान रखना है. पहली बात कि चेस्टर बर्नार्ड यहाँ से हम लोग एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच with respect to the organizational management. Second, in this chapter you have to learn about the functions of executive, means executives के क्या क्या functions होते हैं in the organizational management, executives. Third, Chester Barnard, he was regarded as the behavioral theorist. So behavioral theorist बोलते हैं उनको. ये एक ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट थे. ये सारे टर्म्स आपको समझ में आएगा कि ये ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर्स का क्या व्यू पॉइंट था. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड इथिकल डिलेमा. सो ये चेस्टर बर्नार्ड वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हु एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट द इथिकल डिलेमा and also provided the solution how to come out with the situation of ethical dilemma. फिर उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड he was also known for his theory on what is called the authority and responsibility, जहाँ पर वो fiction of authority की बात करते हैं. There is a concept called the fiction of authority. ये सारे terms आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा in this chapter, right? So these are the important points you have to keep in mind, you have to understand. So firstly बात हम लोग ये समझें कि चेस्टर बर्नार्ड का ह्यूमनिस्टिक जो टैग लाइन है ये है क्या. अभी तक हम लोग न क्लासिकल थिंकर्स में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात किए, फॉर एग्जाम्पल लाइक द F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, ग्यूलिक एंड उर्विक. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैक्स वेबर थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेसी. ये सारे जो थिंकर्स हैं क्लासिकल थिंकर्स हैं. सो अब एक यूटोपियन और एक रेफरेंशियल जो फ्रेमवर्क है ये आप जरूर सीखें कि जब भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात करते हैं वी क्लासिफाई देम इनटू क्लासिकल्स एंड दे. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ह्यूमनिस्टिक. सो वी ब्रॉडली क्लासिफाई देम. ये फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था. सो क्लासिकल जो थिंकर्स थे वो क्लासिकल थिंकर्स किन चीज़ों पे फोकस करते थे, दे फोकस्ड ऑन द मशीन व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हियर दे विल फोकस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन एस्पेक्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग अ पैसिव एंटिटी बट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल एंटिटी. सेकेंड, दैट क्लासिकल्स टुक अप ए व्यू दैट इज देयर इज कॉल्ड मोनो मोटिवेशनल अप्रोच. That mono-motivational approach, but humanistic will take up the multi-motivational approach. Right? The classicals will talk about the I approach, but humanistic will talk about the we approach. तो ये सारे एक shift है from classical to humanistic. सो ह्यूमैनिस्टिक में बहुत सारे थिंकर्स हैं बट वी विल टेक अप पर्टिकुलरली चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, राइट. सो टुडे चेस्टर बर्नार्ड को हम लोग पहले समझेंगे. इट मीन्स वी आर मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम द क्लासिकल टू ह्यूमैनिस्टिक और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच चेंज होता है. सो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक बिलीफ ऑफ द चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड क्या बिलीव करते थे? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ना ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल कॉन्शियस एक्टिविटी। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन कैसा एक्टिविटी है? सोशल एक्टिविटी। इट मीन्स if it is a social activity, so thereby human being consciously created this activity. What is the meaning of a human being? Human being is an interactive human being. Human being अपने interaction में रहता है, समाज में रहता है, society में रहता है. So thereby human being एक का कुछ needs है और उन needs को पूरा करने के लिए human being cooperate करता है, एक दूसरे के साथ आता है. जैसे आपकी needs क्या है? कि आपकी needs है civil services की तैयारी करना. सो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आप पता करते हैं कि कहाँ पर तैयारी होती है. सो दैट इज योर नीड. और जब ह्यूमन बींग्स अपने नीड को पूरा करने की कोशिश करेगा देन ही स्टार्ट अर्जिंग. तो अर्ज जब करेगा सो एंटर इनटू एन कॉपरेशन. सो इस कॉपरेशन के थ्रू एक ग्रुप क्रिएट होता है एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ह्यूमैनिस्टिक स्कॉलर्स का ये व्यू पॉइंट था. चेस्टर बर्नार्ड का बेसिक बिलीफ ये था कि ह्यूमन बींग्स बेसिकली एक सोशल एनिमल है और सोशल एनिमल का कुछ नीड्स है और उस नीड्स को पूरा करने के लिए वो कॉपरेशन में आता है और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनता है. दैट्स वाई व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल एक्टिविटी और यू कैन कॉल कॉन्शियस एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कि कॉन्शियस एक्टिविटी है. ह्यूमन बींग्स एक पैसिव टूल नहीं है जैसा कि क्लासिकल्स बिलीव करते थे. ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल है जो सोसाइटी में रहता है. सो दैट्स वाई ये ह्यूमैनिस्टिक थे. सो फर्स्ट पॉइंट यू रिमेंबर कि दैट चेस्टर बर्नार्ड ही वाज एन ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट. ही वाज एन ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट. ठीक है, तो ये ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे दैट ही वाज एन ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट. बट चेस्टर बर्नार्ड basically known for his theory on executives. Okay, so let's take up his theory on executives. Theory on the executives. So executives का क्या काम होगा? Executives means refers to the managers. So classicals believe क्या करते थे कि managers are very important. Managers top down approach follow करेगा. Managers are the instructor who issue the command. बट ह्यूमैनिस्टिक स्कूल में थोड़ा डिफरेंट हमें समझने को मिलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि उनका क्या बेसिस था. इसे कि फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शनल रहने के लिए देयर हैज टू बी द थ्री ऑब्जेक्टिव, थ्री थिंग्स टू बी देयर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. हाउ मेनी फंक्शंस टू बी देयर? देयर हैज टू बी द थ्री कंपोनेंट्स. एंड व्हाट आर दोज थ्री कंपोनेंट्स? द बर्नार्ड से दैट थ्री कंपोनेंट्स आर there in the organization there shall be a purpose. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? एक पर्पस होगा. सेकेंड the willingness to contribute. सेकेंड the willingness to contribute. And third a comprehensive system of communication, that is a communication system. A communication system. So this is the basic point that in an organization there are the three important component: the purpose, willingness to contribute, and communication system. किसी भी organizations में ये तीन चीज चाहिए. And it is the responsibility of the manager to establish all these, that is comprehensively and in an integrated way. So first of all ये पर्पस की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म द पर्पस. सो ही से कि दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू थिंग्स. देयर आर इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देयर आर इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर ह्यूमन बींग्स. Human being joins the organization to fulfill his goal. So those are called individual goals. And organization itself has a goal, जिसका हम लोग बोलेंगे organizational goal, जिसमें हम लोग बात करे हैं that is called unity of command or unity of direction. Already बात कर चुके हैं हम लोग. So ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल के गोल के बीच में कैसा होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए कि सेपरेशन, both support with each other, both complement with each other. So individual goals and organizational goal के बीच में कैसा होना चाहिए, there has to be a fusion. So this is the first thing he highlighted. Second, he talk about the willingness to contribute. Now willingness to contribute को समझते हम लोग, the willingness to contribute. So the second point, let understand that is willingness to contribute. इसका क्या मतलब होगा? The willingness to contribute. इसका मतलब होता है कि that what is an organization? Organization is a activity और organizational activity किस पे depend करेगा? The members of the organization. And members of the organization मतलब there is an individual goal or organizational goal. हम लोगों के बीच में कैसा होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए. सेकंड ही से कि दैट इंडिविजुअल शुड विलिंग टू कंट्रीब्यूट, और जो विलिंगनेस है इंडिविजुअल का वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. क्लासिकल्स की बात करें तो विलिंगनेस किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मोनोमोटिवेशनल मतलब मॉनिटरी एस्पेक्ट. इफ दे गेट द गुड हैंडसम सैलरी देन एंड देन द पीपल विल मोटिवेट टू कंट्रीब्यूट. ह्यूमनिस्टिक बोलेंगे नो डियर, देयर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट. Motivation not only depends upon the money but also there are other factors. So इन्होंने एक concept बोला that the willingness that is depends upon the contribution satisfaction equilibrium. It depends upon the contribution satisfaction equilibrium. ये very very important है, contribution satisfaction equilibrium. सो एक चीज पूछा जाएगा, द कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम वाज गिवन बाय, सो इट वाज द चेस्टर बर्नार्ड. अंडरस्टैंड दिस कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, व्हाट आई से कि दैट विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट होना चाहिए, बट विलिंगनेस डिपेंड अपॉन दिस कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम. कि लेट्स से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, लेट्स से द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो इन ए कैपेसिटी यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको कुछ काम करना पड़ेगा एंड उसके अगेंस्ट में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है. यदि जो आपका काम है, द जॉब व्हाट यू डू, उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड है, रेम्यूनरेशन है, वो कम है, आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, तो आप क्या करेंगे, यू वुड बी डिससेटिस्फाइड. सो व्हाट आई ट्राइंग टू से कि दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, सो एफर्ट इज बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन है, और जो उसका रेम्यूनरेशन है, इसका मतलब सैलरी, जो उसके पर्क्स प्रिविलेजेज हैं, दीज आर कॉल्ड रेम्यूनरेशन. इफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स इज मोर देन द रेम्यूनरेशन, इफ द एफर्ट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज मोर देन रेम्यूनरेशन, इसका मतलब ज़्यादा एफर्ट है, सो वो डिससेटिस्फाइड होगा. मतलब दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. हमेशा विलिंगनेस के लिए आपको क्या चाहिए, देयर कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम होना चाहिए, है ना. इसका मतलब है कि इफ C इक्वल टू S, सिंपल सी बात है, आप जो एफर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन है, यू विल बी सेटिस्फाइड, तब आप और कॉन्फिडेंटली विलिंगनेस के साथ काम करेंगे. तो सेम सिंपल चीज़ को हाईलाइट किया उन्होंने, जिससे कि दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल टेकअप एफर्ट एंड इन दी एफर्ट के रिटर्न में उसको रेम्यूनरेशन मिलता है. तो यदि इसमें बैलेंस है तो इंडिविजुअल क्या होगा, मोटिवेटेड होगा. मोटिवेटेड मतलब विलिंग होगा. मोटिवेशन के लिए उन्होंने बोला कि दैट ह्यूमन जो मोटिवेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द टू सेट ऑफ फैक्टर्स. उन्होंने स्पेसिफिकली इसको कुछ इंड्यूसमेंट नाम दिया था कि कुछ जनरल इंड्यूसमेंट है, देयर आर समथिंग कॉल्ड इंड्यूसमेंट्स, तो जनरल इंड्यूसमेंट और कुछ स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट है. There are general inducement and there are specific inducement. So do not bother about this term because optional होगा तो details में पढ़ना है. But एक छोटी सी बात है कि the Chester Barnard trying to highlight you कि that कि organizations में satisfaction depends upon what, कि that contribution satisfaction balance. माने इक्विलिब्रियम है इन एफर्ट के अगेंस्ट में जो रेम्यूनरेशन है वो बैलेंस है या उससे ज़्यादा है, द इंडिविजुअल विल बी मोटिवेटेड फॉर द जॉब। नाउ उसका जो सेटिस्फेक्शन है, चूंकि ह्यूमैनिस्टिक स्कॉलर है, सो दैट इज वाई सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा कि मोनो मोटिवेशन कि पैसा कितना मिल रहा है, उसके साथ साथ ह्यूमन बींग एक ह्यूमन बींग्स है, दैट्स वाई वो अपने सोशल कल्चर पे डिपेंड करेगा कि उसके पीयर कैसे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है मैंने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड वर्क कल्चर कैसा है। जैसे एक छोटा सा बात हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर इज ए केस स्टडी कि जो BCCL है उस BCCL में कुछ IIM के ग्रेजुएट्स को रिक्रूट किया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह। सो जब IIM के ग्रेजुएट्स गए जब उसमें अंडर माइंस में जॉब करने के लिए तो उन्होंने देखा कि जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अजीबो गरीब है कि जैसे कि इन दी दैट इज कॉल्ड जब आप प्रमोशन के थ्रू पहुंचते हैं, लेट्स से डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर ही इज इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर, तो वो IIM के ग्रेजुएट्स को जो बता रहा होता है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो IIM के कुछ ग्रेजुएट्स थे उन्होंने छोड़ दिया, सिंस दे सिंपली क्विट एंड रिजाइंड फ्रॉम द BCCL एंड ओनली दे कोटेड क्या उन्होंने साइड किया रीजन कि इट वी आर नॉट बेसिकली सेटिस्फाइड विद वर्क कल्चर। सो डियर, नॉट ओनली द मनी मैटर्स but also what the matters, what is the work culture, what the type of peer groups you are getting, what type of the social ambience you are getting. So there are not only one factor that will determine your satisfaction. तो क्या सिर्फ money determine करता है? No. So that is the highlighted by the Chester Barnard. He say कि that ये जो motivation है वो basically depend करता है, दो तरह के इंड्यूसमेंट्स हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट, माने सिंपल ही ट्राइंग टू पॉइंट दैट इज मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। ये बात उन्होंने करा कि जो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं है बट मल्टी डायमेंशनल है। सो नाउ व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द मैनेजर? मैनेजर शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन इन द साइकोलॉजी ऑफ हिज द वर्कर्स। सो मैनेजर्स को उस तरह से ही होना चाहिए एंड उसके लिए उन्होंने क्या टर्म यूज किया, द मैनेजर शुड बी एन एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट, ही शुड बी एन एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट। मैनेजर का नेचर कैसा होना चाहिए? द मैनेजर शुड बी एन एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट। Amateur should understand कि what is going on in the psychology of his workers. In this way, he try to reform. In this way, he try to transform his, that is, personal administration policy, decision making policy. So in this way, he will able to create a condition of comprehensive atmosphere, a conducive environment. थोड़ा सा बात समझ में आया कि that दो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में पहली बात कि एक पर्पस होना चाहिए, दूसरा कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एस्पेक्ट। यहां पर काफी डिटेल्स में चर्चा करते हैं, डिटेल्स में थोड़ा और देख लें कि एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर्स शुड बी एन एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट। एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट में एक और कंसेप्ट की डिस्कस करते हैं, दैट इज ही टॉक अबाउट द अथॉरिटी एंड फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। लेट्स अंडरस्टैंड इट, द फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, फिक्शन ऑफ authority. So these are the term basically you will find in the public administration, fiction of authority, amateur psychologist. तो ये सारे term किस किस context में हम use कर रहे हैं, you must remember, ये आपको question पूछा जाएगा। बर्नार्ड की थ्योरी किसके लिए फेमस है बताओ? द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के लिए। एग्जीक्यूटिव्स का क्या नेचर बताया उन्होंने? एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। और दैट इज मैनेजर अभी क्या काम करेंगे अभी देखते हैं, दैट इज फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। फिक्शन ऑफ अथॉरिटी में दो टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ डिनाई, है ना, बस लिखते चलेंगे, दैट इज जोन ऑफ इंडिफरेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस, एंड second one the zone of denial, the zone of denial. इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए कि zone of indifference और zone of denial का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सो डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, कोई इंजीनियर्स होगा, कोई डॉक्टर्स होगा, कोई ऑलरेडी जॉब में होगा, है ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई नॉर्मल एस्पिरेंट होगा, कोई ऑलरेडी जॉब में है। सो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे तैयारी करेंगे फॉर ए वन गोल दैट इज सिविल सर्विसेज, इस एग्जाम को पास करना है। सो वहाँ पर किस तरह से एस्पिरेंट का नेचर होना चाहिए? एस्पिरेंट एक एम्बियंस में पढ़ता है, क्लासरूम में पढ़ रहा है कि वट एवर द इंस्ट्रक्शन इज गिवन दे फॉलो इट इन द लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है। सो ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज दे हैव द ट्रस्ट कि जो सर बता रहे हैं इट इज इन द राइट डायरेक्शंस। एंड धीरे धीरे ये डेवलप होता है, अचानक से जोन ऑफ एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं होता है। जब आपको ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तब फिर क्या होगा ना, रिपोज फेथ होता है और फिर एक जो कल्चर ऑफ ट्रस्ट आपको क्या करता है कि दैट आपका कंप्लायंस लेवल बढ़ाता है कि जो भी मैं बोलूंगा ओके, कल हम कुछ प्रेशराइज क्वेश्चन देंगे आप करेंगे, कल आपको यदि 5 बजे से उठना है यू विल वेकअप। सो व्हाई दिस हैपन? बिकॉज आपका जोन ऑफ इंडिफरेंस बढ़ा, मैंने जोन ऑफ कंप्लायंस बढ़ा। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। जोन ऑफ इंडिफरेंस का क्या मतलब है? द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, the level of acceptance or simply the zone of acceptance. Okay, so zone of indifference, the Chester Barnard he referred, it means the zone of compliance, a zone of acceptance, and zone of deny means that is the zone of deny matlab tendency to deny. So what should be the function of the executive? What should be the function of manager? मैनेजर का क्या काम होना चाहिए? मैनेजर शुड अंडरस्टैंड कि क्या साइकोलॉजी में चल रहा है, मैनेजर शुड अंडरस्टैंड एंड मैनेजर शुड वर्क टू इंक्रीज द डोमेन ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, तभी ना एक्सेप्टेंस होगा। एंड देयर इज दिस रिलेशनशिप कि जो भी कमांड इशू किया जाएगा उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाएगा। सो व्हाट इज दिस? द एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट का एक और फंक्शन क्या होता है? जस्ट टू इंक्रीज द जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड जस्ट टू डिक्रीज द जोन ऑफ डिनाई। ये पहला पॉइंट समझ में आया कि एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट का क्या मतलब होगा। एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट शुड अंडरस्टैंड द पावर पॉलिटिक्स, द एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट शुड अंडरस्टैंड द साइकी एंड द साइकोलॉजी ऑफ द वर्कर्स, द मैनेजर शुड ऑल्सो वर्क टू इंक्रीज द जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड टू डिक्रीज द जोन ऑफ डिनाई। यहाँ तक समझ में आया, दिस इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। यही सब बातें करता है वो। आगे फिर ये बोलेगा कि फिक्शन ऑफ अथॉरिटी में दैट ही डिफर्ड फ्रॉम द क्लासिकल थिंकर, जब वो अथॉरिटी की बात करेंगे, ओके, व्हेन ही डिस्कस्ड अबाउट अथॉरिटी देन ही डिफर्ड फ्रॉम द क्लासिकल थिंकर। लेट अस सी। यू नो दैट कि अथॉरिटी हम लोग अभी तक कई बार बात कर चुके हैं कि व्हाट इज दिस अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर, दे वेस्टेड पावर। तो यहाँ पर क्लासिकल्स को एक साइड हम लोग रखें और अभी ह्यूमैनिस्टिक को एक साइड रखते हैं। द क्लासिकल्स और ह्यूमैनिस्टिक। सो क्लासिकल्स विल बिलीव इन टॉप डाउन अप्रोच। जो सुपर ऑर्डिनेट है वो ज़्यादा अथॉरिटी है और सब ऑर्डिनेट लेस अथॉरिटी है, तो हमेशा कमांड कहाँ से फ्लो करेगा? टॉप टू बॉटम। So there is classicals who focus on the top-down approach of authority. इसका मतलब है कि there is called one-way form of authority. ये किसका approach है? Classicals का है। But humanistics say that they talk about the situational authority. They will talk about the situational authority. They will take up this acceptance view of authority. They will take up this acceptance view of authority. ये acceptance कब आता है? By increasing the zone of indifference and decreasing the zone of deny. ये पहला point समझ में आया। So classical से कैसे differ कर रहा है humanistic? माने Barnard कि they had taken the situational authority. Authority माने zone of compliance, zone of acceptance. It should flow from situation. It should not flow from position. तो positional view of authority किनका है? क्लासिकल्स का है। क्लासिकल्स थ्योरी का क्या व्यू है? द पोजिशनल व्यू ऑफ अथॉरिटी। बट क्लासिकल्स का क्या है? पोजिशनल। और ह्यूमैनिस्टिक का क्या है? सिचुएशनल व्यू ऑफ अथॉरिटी, सिचुएशनल व्यू ऑफ अथॉरिटी। सो अथॉरिटी में ये बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली टॉप डाउन बट इट फ्लो फ्रॉम सिचुएशंस। इट शुड that is depends upon the acceptance, level of acceptance, level of relationship between superordinate and subordinate. तो ये क्या कहलाता है, that is called acceptance view of authority. So acceptance view of authority की कौन बात करते हैं ना, चेस्टर बर्नार्ड. लेकिन फिक्शन ऑफ अथॉरिटी में एक चीज और बताते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, और देयर इज समथिंग कॉल्ड वीटो पावर. देयर इज समथिंग कॉल्ड वीटो पावर. द वीटो पावर लाइज विथ द सुपरऑर्डिनेट, माने मैनेजर के साथ, और the zone of acceptance or denial lies with the workers. It lies with workers. यहाँ पर ये डिनाई भी नहीं करते हैं कि मैनेजर्स का रोल जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में कहीं कम होता है. ही वॉज ह्यूमनिस्ट बट ही सपोर्टेड कि मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैनेजर्स आर बाई वर्च्यू ऑफ देयर क्वालिटी, बाई वर्च्यू ऑफ देयर ट्रेट्स, तो उनको स्पेशल है. बट they had taken a different viewpoint. They say कि although the zone of acceptance, zone of denial lie with the workers, लेकिन managers have the power of veto. That is called rejection power. वो किसके साथ होना चाहिए, superordinate के साथ है. तो ये simple बात करते हैं. In the second aspect, that is the willingness to contribute, he first discussed about contribution satisfaction equilibrium. Second he discussed about कि एग्जीक्यूटिव्स माने मैनेजर कैसे होना चाहिए, दे शुड बी एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट, इंक्रीज टू जोन ऑफ इंडिफरेंस, डिक्रीज द जोन ऑफ डिनाई, एंड ही लेटर डिस्कस्ड अबाउट फिक्शन ऑफ अथॉरिटी. तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया. एट लास्ट ही डिस्कस्ड अबाउट ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. ही डिस्कस्ड अबाउट द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस. द चेस्टर बर्नार्ड से द What is an organization? माने he talk about communication is an authority. यदि आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा who said so, कि the communication is authority. The communication is authority. So Chester Barnard was very well known for this theory. The communication is authority. Chester Barnard say कि the communication should be very well defined. द मैनेजर्स का जॉब, प्राइमरी जॉब क्या है, ही इस्टेब्लिश ए कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन सिस्टम. माने हर एक पोजीशन आपको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. जैसे इफ यू टेकअप एन ऑर्गेनाइजेशंस, और इस ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर द डिफरेंट लाइन ऑफ कमांड्स, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो हर एक पोजीशंस का रोल डिफाइंड हो, हर एक पोजीशंस का लाइन ऑफ कमांड डिफाइंड हो, हर एक पोजीशंस का जो स्ट्रक्चर है, द डोमेन है, वो हर चीज़ डिफाइंड हो. तो मैनेजर्स का मेन काम क्या है, कम्युनिकेशन. बिकॉज बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का कोई भी अथॉरिटी एलोकेशन नहीं हो सकता है. बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता है. सो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं. दैट्स वाई द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. सो वेरी एम्फेटिकली ही से कि मैनेजर्स का मेन फंक्शन क्या है, टू एस्टैब्लिश एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन सिस्टम. तो जब चेस्टर बर्नार्ड पढ़ेंगे तो चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी को तीन पार्ट में पढ़ना है. पहला पार्ट कि देयर शैल बी ए पर्पस, दूसरा द विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, एंड थर्ड देयर शैल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम. तो ये तीन एरियाज पे चेस्टर बर्नार्ड फोकस करते हैं. एक लास्ट पॉइंट चेस्टर बर्नार्ड में आप लोग ध्यान रखेंगे, द चेस्टर बर्नार्ड ही टॉक अबाउट द, जब ये सब बात कर लिए देन ही डिस्कस्ड अबाउट द चेस्टर बर्नार्ड कि देयर इज ए फेनोमेना कॉल्ड इथिकल डिलेमा. देयर इज ए फेनोमेना कॉल्ड इथिकल डिलेमा. सो इथिकल डिलेमा इज बेसिकली फाउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इथिकल डिलेमा का मतलब कि दैट देयर आर सिचुएशन जब आप डिलेमा में होते हैं. जैसे कि आप कभी कभी कंसर्न होते हैं, आपको चिंता होती है कि हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. आपका कंसाइंस बोल रहा है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ नहीं पा रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड इथिकल डिलेमा. डिलेमा इज अ सिचुएशन वेर यू हैव टू चूज बिटवीन द टू राइट ऑप्शंस और बिटवीन द टू रॉन्ग ऑप्शंस. ये राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करना इजी होता है, बट बिटवीन द टू सिमिलर ऑप्शंस इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो देयर आर कॉल्ड इथिकल डिलेमा जब आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट होगा. सो चेस्टर बर्नार्ड से कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर It concerns for ethical dilemma, और ethical dilemma माने Chester Barnard is linked with the phenomena of ethical dilemma. ये भी याद रखेंगे. तो चेस्टर बर्नार्ड इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा इथिकल डिलेमा से फाइंड आउट होने का, बाहर निकलने का। सो देयर उन्होंने 4-5 सॉल्यूशन बताए थे, दैट उतना हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। ही से कि चूज दैट कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल ब्रिंग इंटीग्रेशन अमंग ऑल द सिचुएशंस। इसको उन्होंने बोला कि चूज that course of action which will bring the coordinations and integrations among all the situations, इसकी बात करा था। तो short and simple यदि हम लोग बात करें तो चेस्टर बर्नार्ड की जो थ्योरी है उसको हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड ही वॉज एन ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट, ये पहला पॉइंट। ही फोकस्ड ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बट ही वॉज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। He say that what are the functions? 3 functions. First of all, he establish the purpose. Second, he act like an amateur psychologist and to create the condition to willingness to contribute. जहाँ पर उन्होंने contribution satisfaction equilibrium की बात की, friction of authority की बात की, and at last he say that establish an effective communication system because Barnard say communication is authority. यहाँ तक समझ में आया। At last he discussed about the ethical dilemma and concerns of ethical dilemma in an organization. He suggested, जिन्होंने कुछ solutions बताए, but he finally go कि उस course of actions को follow करो जो सबसे ज़्यादा coordination establish करे। जैसे आपका एक जो मैं हमेशा अपने students को बोलता हूँ कि आप पहले जब भी कुछ पढ़ना हो, whenever you decide to prepare for the civil service, it is a comprehensive game. So here आपको resource को limit करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने सोर्स को कॉन्क्रेटाइज करो, क्रिस्टलाइज करो, फिर बार बार उसको पढ़ो। हम लोग का माइंड जो है वो हमेशा छटपटाते रहता है। हम लोग का मन करता है ये भी पढ़े, वो भी पढ़े, बहुत सारा चीज़ पढ़ ले। उस चक्कर में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं हासिल होता है। आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते। वाई? क्योंकि आपके पास मल्टीपल गाइडेंस, मल्टीपल कोड्स हैं। आप एक जगह लिमिट रहेंगे और उसी को बार बार करेंगे, देन यू विल फील कि धीरे धीरे आपका लेवल क्या है वो इंक्रीज होता है, ग्रो होता है और आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम लेवल्स के बियॉन्ड जाने लगता है। आपको ट्रस्ट करने सीखना होगा। दैट इज व्हाई ही से इथिकल डिलेमा कि व्हेनेवर यू फाउंड योरसेल्फ इन एन इथिकल डिलेमा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉलो दैट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि यहाँ पर बचाने के लिए आपको कोई दूसरा नहीं आएगा। पढ़ना आप ही को है, एग्जाम आप ही को देना है, तो उस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करो जो सारे सिचुएशंस के बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशंस के साथ आगे बढ़े। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इथिकल डिलेमा। फिर बहुत सारी बातें करें हैं, लाइक कॉन्साइंस की बातें की हैं, दैट नॉट इन योर बिजनेस, दैट नॉट शुड बी इन योर टॉपिक। सो दिस इज द स्मॉल थ्योरी गिवन बाय द चेस्टर बर्नार्ड, and then we will take up the Herbert Simon and participative thinkers like McGregor, Chris Hargreaves and Likert, क्योंकि आपको एक बार पूछा हुआ है थ्योरी X, थ्योरी Y, थ्योरी Z ये किसने दिया है। सो ये सारी थ्योरी आपको participative thinkers में मिलेगा। सो चेस्टर बर्नार्ड किसके लिए जाने जाते हैं, the functions of executives के बारे में। सो that's all for the today's session। हम लोग कल फिर मिलते हैं नए एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के साथ। तब तक कीप वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी संडे टुडे। एंजॉय दी that Indian that ICC World Cup tournament and wish that India will be in a champion for the 3rd time. So good luck and have a nice day ahead.